देश में कोरोना महामारी से देश में कई देशवासियों ने अपने परिजन खोए हैं। वह इस दूसरी लहर में देश में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों की वजह से कितने परेशान थे, ये पूरे देश ने देखा ही है। और सभी प्रधानमंत्री को याद कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई को कोरोना संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद किया। डॉक्टरों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। इससे पहले आप मोदी जी का ये बयान सुनिए, जिसमें वह रोने को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना, न मेरा रोने में विश्वास है न रुलाने में विश्वास है। डॉक्टरों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति संतावना व्यक्त करता हूं कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भावुक होने वाली वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि जो 17 अप्रैल को बोला था वो 21 मई को सच हो गया। देश को एक संवेदनशील नेक दिल इंसान चाहिए, ढोंगी प्रधानमंत्री नहीं जो खुद रैली कर कोरोना फैलाए और बाद में रोने का नाटक करे। इस ट्वीट में ही संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर की, जिसमें कुछ दिन पहले वह प्रधानमंत्री मोदी के भावुक होने की संभावना जता रहे थे। अभी आ जाएंगे, अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बस अब देखिए, आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी रोएंगे आके टीवी पे आके रो देंगे, पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ। तो इस चीज से अब हमें बाहर आना पड़ेगा वास्तव में, अगर हम लोग इस देश का कुछ भला चाहते हैं। इसके अलावा कई विपक्षी दलों ने ट्वीट कर इस मुद्दे पर टिप्पणी की। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, नो वैक्सीन, लोवेस्ट GDP, हाईएस्ट कोविड डेथ्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्स, PM क्राइज। मनोज कुमार झा ने अपने ट्विटर पर लिखा, रोना धोना तो कई वर्ष तक बातचीत और संवाद में इस्तेमाल होता रहा है, अब आवश्यक है कि नए भारत में इसे पलट कर धोना रोना किया जाए। जय हिंद। इसके अलावा यूट्यूब पर ध्रुव राठी ने कमेंट किया, आई डिडंट विजिट ट्विटर ऑल डे एंड जस्ट सॉ ग्लिसरिन, हैशटैग नौटंकी एंड हैशटैग क्रोकोडाइल टीयर्स आर ट्रेंडिंग, नो नीड टू गेस बट मस्ट हैव हैपेंड। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा ने भी कुछ टिप्पणी की और सरकार पर सवाल भी उठाए। तो प्रधानमंत्री देश के सामने एक बार फिर रोए, मगर तबाही तो बरप रही है इस देश की जनता पर। आपके आंखों में आंसू क्यों हैं मोदी जी? और आपके आंखों में आंसू तब हैं जब हालात कुछ हद तक शहरी इलाकों में बेहतर होते नजर आ रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री का रोना मेरे अंदर एक असमंजस पैदा कर रहा है दोस्तों। उनके इस रोने के पीछे मुझे बहुत ज्यादा विरोधाभास दिखाई दे रहा है, उनके रोने के पीछे मुझे एक प्रचार तंत्र दिखाई दे रहा है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोने की बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अक्सर अपने आंसुओं का इस्तेमाल उस वक्त किया है जब वो मुश्किल में होते हैं। पहला प्रमाण, नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए और अगर 50 दिन में भी मैं कुछ ना कर पाया तो मुझे बता देना, जिस चौराहे पर बुला लेना, उस चौराहे पर आइए ताकि जनता आपसे सवाल कर सके। एक तरफा संवाद क्या होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप मेरे से पत्रकारों के सामने आएंगे ना प्रधानमंत्री, तो आप फिर से उसी इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। मोदी जी भावुक हुए हों और मीडिया इस पर कुछ ना दिखाए, ऐसा तो शायद हो ही नहीं सकता।
मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद जितनी भी डिबेट हुई उनमें एंकर ने मोदी जी के भावुक होने का जिक्र जरूर किया। अब बात करते हैं इससे पहले मोदी जी कब कब रोए थे। 2014 में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीट के दौरान अडवाणी जी के किसी बयान को लेकर मोदी जी इमोशनल हो गए थे और रोने लगे थे। अडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं अडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है। फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग के साथ इंटरव्यू देते वक्त मोदी जी किसी बात को लेकर भावुक हो गए और रोने लगे थे। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। हाल ही में जब कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में फेयरवेल था, इस मौके पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच दी और पुरानी बातों को याद करते हुए भावुक हो गए थे। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में ये कह रहे थे कि उन्होंने एक घर परिवार देश के लिए छोड़ा है, ये कहते कहते भी वे भावुक हो गए थे। मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार देश के लिए छोड़ा। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री जी। ऐसा नहीं कि ये पहली बार भावुक हुए थे, पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे कि मोदी जी कोरोना से जिनकी जान गई है उस पर दुखी हैं, तो अब बाकी देशवासियों की जान बचाने का
भरपूर प्रयास तो कम से कम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।